से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा ये देखिए, अगर आप सर्च करते हैं कि इस्लाम का खलीफा कौन है, खलीफा तो पता है या वो भी नहीं आप लोगों को भूल भाल गए इस किस्म के रिएक्शन देखने में, तो आपके सामने इंटरनेट पे क्या आता है? कोई भी गोरा सर्च करता है कि इस्लाम का मौजूदा खलीफा कौन है, खलीफा वक्त, तो किसका नाम आ रहा है? ये वीडियो मैं 2 दफ़ा पहले पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपको पता है विकीपीडिया पे जाकर फौरन से पहले रिपोर्ट करना है कि ये गलत है, और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते और अभी तक वीडियो छोड़ के जा चुके हैं या आपको करना नहीं आता, तो एटलीस्ट इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये बात आगे तक जाए, क्योंकि डिजिटली हम लोग वीक होते जा रहे हैं ख़त्म नबूवत के लिए। इसलिए टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो मैंने शुरू की है, उसका मकसद ही है कि ऐसे लोगों की टीम बनाई जाए जो इस किस्म के मसलों के लिए लड़ सके, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सड़कों की हद तक नारों पे रह गए, जलसों पे रह गए, और ये लोग हर जगह घुसते आप जा रहे सबसे हैं। रिक्वेस्ट है विकीपीडिया पे जाना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है कि ये गलत खबर है, इस्लाम का मौजूदा खलीफा ये नहीं है, और फौरन ईमान जागेगा थोड़ा बहुत या नहीं? नहीं, चलो देखता हूँ कितनी जल्दी आप लोग, पहले आपकी बारी, आप करके दिखाएंगे। मैं 24 घंटे का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करना है हर ग्रुप में, हर जगह, कि ये मैसेज जाए और कोई खत्म नबूवत का चाहने वाला उठकर जरा ये काम करके भी दिखाए, सिर्फ नारे नहीं, ये काम करके दिखाए जरा। मसला ये है कि शोबिज का कोई आर्टिस्ट जिसकी फैन फॉलोइंग है वो नहीं बोलेगा इसके बारे में, ना इसको वीडियो को शेयर करेगा। आप जाके किसी सेलिब्रिटी को बोले इस्लाम फॉलो करते हो, ठीक है नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे या कोई मसला है, लेकिन इस्लाम के लिए अपना इन्फ्लुएंस तो यूज कर सकते हो एज अ इन्फ्लुएंसर। अगर मैं अपने आप को कहता हूं जी मैं बहुत बड़ा कोई कंटेंट मेकर या इन्फ्लुएंसर या टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान चला रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि पैसे का सोचे बगैर मैं इस वीडियो को पोस्ट करूं, अपना रोल प्ले करूं। मसला ये आप लोगों का भी तो चक्कर है ना, जन्नत मिर्जा चाची लसूड़ी ये चल रहा हो ना, तो फौरन टपाटप वीडियो आप शेयर करेंगे, टपाटप हर जगह जाएंगे। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा एक आध दिन के बाद कि कितने लोगों ने टिकटॉक रिएक्शन तक वीडियो देखी और उसके बाद कितने लोग वीडियो छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ नहीं है, ये हर यूट्यूबर के साथ है कि जब भी कोई काम की बात पोस्ट करता है आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान भी लगी हुई है कि इस मसले को फौरन ठीक किया जाए, ये आप लोगों का फर्ज भी है कि आप फौरन चल के कोई बंदा ढूंढें जो विकीपीडिया पर इस मसले को फौरन ठीक करे, गूगल सर्च रिजल्ट में ये चीज ना आए। अब देखता हूं भाई अपना रोल आप कितना प्ले करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं हमें तो आ ही नहीं रहा है करना, तो एटलीस्ट इस वीडियो को तो हर जगह शेयर कर सकते हो, टैग कर सकते हो उन लोगों को जो इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कोई यूट्यूबर, कोई शोबिज आर्टिस्ट, कोई इन्फ्लुएंसर कौन है जो यंग जनरेशन को बताएगा कि भाई कादियानियों को मारने पीटने से नहीं, उनके दिलों को जीतने से, उनको अपनी तरफ कन्वर्ट करने से ये हमारा डेयर होना या चाहिए? उनको जाके जितना मारोगे बाहर सिंपथी वोट मिलता है, बाहर चैरिटी मिलती है, फंडिंग मिलती है, इनको इस्लाम की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होगी, इनके दिलों को जीतना होगा। और ये बात याद रखें कि डिजिटली जितने ये ताकतवर होते जा रहे हैं, अगर आज आप लोग नहीं जागे ना, तो हो सकता है इस्लाम की जगह सिर्फ ये अहमदियत और कादियानियत हर जगह नजर आ रही हो। इंटरनेट पे हम फिर कभी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम कहते रहेंगे जी फरंगी हमारे साथ सही नहीं कर रहे, वेस्टर्न वर्ल्ड सही नहीं कर रहा, फेसबुक बैन करो, यूट्यूब बैन करो, गूगल बैन करो। वो भाई डिजिटली अपने आप को इतना एक्टिव तो बनाओ, और जो एक्टिव होते हैं क्या उनके ईमान सोरे? खुदा की कसम अगर ये मुझे ठीक करना आता होता, ये इतना आसान होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, ये ठीक कर चुका होता मैं। अब थोड़ा सा एहसास अंदर जगाओ, और अकल से गाली नहीं देनी, हमारा मतलब गाली देने की बात नहीं करता, मारना पीटने नहीं है, हमें इस चीज को खत्म करना है और जीत के दिखाना है डिजिटली। अरे कहाँ जाओगे भाई।